नमस्कार, आप सुन रहे हैं रफ्तार और हम हाजिर हैं शाम की 10 बड़ी खबरों के साथ। अगले 5 साल के कार्यक्रम की दिशा तय करेगा इस बार का बजट, ऐसा कहा पीएम मोदी ने। नीट मामले की सुनवाई कल टली, आईआईटी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, बताएं विवादित प्रश्न का सही उत्तर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त वर्ष 2025 में रियल जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से सेना के कैंप पर आतंकी हमला, एक जवान हुआ घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कावड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दें, हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने जमकर मचाया उत्पात, गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस कर रही मामले की जांच। बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 102 अंक टूटा, निफ्टी 22,500 के करीब। पेरिस ओलंपिक्स भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज गोलकीपर श्रीजेश ने किया संन्यास का ऐलान, 3 अलग अलग किरदारों में दिखेंगे एक्टर सूर्या, 10 अक्टूबर को रिलीज होगी किंगवा।